भादो मास की नवमी पर समीपस्थ ग्राम नागझिरी में शुक्रवार को संत बोंदुरु बाबा समाधि स्थल पर आस्था का मेला लगा। यहां संतान प्राप्ति की चाह में पहुंची सैकड़ों महिलाओं को बेमौसम मिलने वाली आम की कच्ची केले की प्रसादी बांटकर गोद भराई की गई। तो वहीं कई दंपतियों के घर किलकारी गूंजने पर श्रद्धालुओं ने मन्नतें भी उतारी। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर फल मिठाई से बच्चों का तुलादान कर संत का आभार जताया। सुबह से देर शाम तक क्रम जारी रहा। यहां प्रसादी पाने वाले न केवल सनातन धर्म से जुड़ी महिलाएं बल्कि कई मुस्लिम महिलाएं भी मन में आस्था लिए पहुंची थी। समाधि स्थल से जुड़े जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार ने बताया कि लगभग 300 से अधिक केरियां विभिन्न स्थानों से आई महिलाओं को प्रसादी के रूप में बांटी गई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। मैं होशंगाबाद से आई हूँ और मेरी नंद ने बताया था, अब मेरे शादी के 11 साल हो गए, मेरे को बच्चा ना हुआ उसके कारण मैं यहाँ पर आई हूँ। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर बाबा इस तरह की मुरादें पूरी करते हैं? हमारे परिवार की एक दीदी है, उन्होंने बताया था। क्या नाम है? प्रियंका चौहान, होशंगाबाद। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और यहाँ पे ऐसा सुना है कि संतान प्राप्ति होती है, तो इससे किसी के थ्रू पता चला था तो यहाँ पे आए हम लोग। कितने साल हुए आपकी शादी? 3 साल। क्या उम्मीद लगी आपको? अब देखो होना तो चाहिए जैसे भगवान की कृपा। जम्मू कश्मीर। प्रेरणा शरद चौधरी। चंद्र बाबा की समाधि पर साल भर पहले आए थे पिछले साल इसी नवमी पे, और बाबा का आशीर्वाद जो कैरी का प्रसाद यहाँ से मिलता है उसकी महिमा हमने भी बाहर से ही कहीं सुनी थी, और यहाँ आए अब चमत्कार आप सब देख रहे हैं हमारे साथ में। साल भर में ही मेरी गोद बाबा ने हरी भरी कर दी और 3 महीने की गुड़िया को यहाँ लेकर आई हूँ। आज वही नवमी है, पिछले नवमी पर मैं यहाँ आई थी और प्रसाद की कृपा से आज गुड़िया को मैं साथ में लेकर आई हूँ। ऐसे ही बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हम ग्राम भुलगांव से आए हैं, बेड़िया के पास ग्राम भुलगांव से। आरती कानून को समाज स्थल पर जो मेला लग रहा है, ये मेला आप देख ही रहे हो कि मतलब बहुत ही विशाल मेला, जबकि कल से सतत बारिश हो रही है, उसके बाद भी धर्म से भी जनता और आसपास के समाज का या भी जो यूटी हो रही है जिसमें हमारे जो जिनको हमारी मातृशक्ति जिनको ये हमारी निसंतान दंपत्ति के नाम से मेला लगता है, तब फेरी का प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर बहुत तो यहाँ पर अभी रस्ते में देखा जनता 12-13 प्रांतों से मतलब यहाँ पर जनता आई है और आस्था लेके आई है, और यहाँ पर आस्था की पूर्ति भी होती है। यह आप सबने देखा है यहाँ पर संत बोंदुरु बाबा इनके दरबार में जो भी आता है हाजिर लगाता है और प्रसाद लेता है तो उनके घर में कहने की किलकारियां गूंजती है। भाई साहब इसमें हमारे भारतवर्ष के मध्य प्रदेश के कम मध्य प्रदेश के छोड़ो हमारे कम से 8-10 प्रांत हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान कश्मीर जम्मू कश्मीर अनेक प्रांतों की जनता आस्था लेके आती है, और जहाँ पर विज्ञान में कई तरह से पूरी तरह फेल हो जाते हैं, कई डॉक्टरों को दिखाते हैं जो मायूस हो जाते हैं, ऐसे परिवार जिनकी शादी को कम से 15-20 साल हो गए हैं उनके घर में भी यहाँ से अगर कच्ची केरी का प्रसाद लिया है तो उनके घर में भी किलकारियां गूंजी है, और ये बात का प्रमाण है कि वो मन्नत देने और दूसरे साल अगर उनके घर में किलकारियां गूंजती है बच्चे का जन्म होता है तो मन्नत उतारने यहाँ आते हैं। यहाँ 3-4 रोज पहले से मन्नत कार्यक्रम चालू होता है, यहाँ पर 200 से अधिक मन्नतें उतर चुकी है। बापू सिंह परिहार जिला पंचायत उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।